अ वेरी गुड डे टू एवरीवन। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन माइक्रोबियल ग्रोथ। यस, तो इसमें हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पीएच, सॉल्यूट एंड वाटर एक्टिविटीज़, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होता है वो हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्या करता है? एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के केस में भी जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। जैसे कि जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑलमोस्ट सभी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि कोल्ड टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे। ये डिपेंड करता है कि जो उनका प्रोटीन है उसकी स्टेबिलिटी, वो किस टेम्परेचर को फेवर करता है, उसकी स्टेबिलिटी किस टेम्परेचर को फेवर करती है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जो लो टेम्परेचर होता है उसमें बैक्टीरिया हमेशा स्टेशनरी फेज में रहते हैं। मतलब कि जैसे कि हम रेफ्रिजरेट करते हैं फूड प्रोडक्ट्स को अपने, क्यों करते हैं? क्योंकि जो बैक्टीरिया है ना ही, ताकि उसकी ग्रोथ क्या ना हो पाए, आगे फर्दर बढ़ ना पाए, उनकी ग्रोथ स्टेबल हो जाए। ग्रोथ कर्व पढ़ाया था मैंने आपको पहले वाले वीडियो में, उसमें क्या था, लॉग फेज था, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल फेज था, फिर स्टेशनरी एंड देन डेथ फेज। तो स्टेशनरी फेज था उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ हमेशा स्टेबल रहती है। तो लो टेम्परेचर पे बैक्टीरिया हमेशा क्या रहता है, स्टेशनरी फेज में रहता है, उसकी ग्रोथ स्टेबल रहती है, ना ही तो इंक्रीज होती है ना ही डिक्रीज होती है। बैक्टीरिया को टेम्परेचर के बेसिस पे 5 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट है साइक्रोफाइल्स। साइक्रो मीन्स कोल्ड एंड फाइल्स मीन्स लव, मीन्स कोल्ड लविंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है -5 डिग्री टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके एग्जांपल हैं बेसिलस साइक्रोफिलिक, माइक्रोकोकस क्रायोफिलस, इसमें सिंगल वाई आएगा क्रायोफिलस में, देन साइक्रोफाइल्स या फिर हम कह सकते हैं साइक्रोट्रोप्स। ये होते हैं वो बैक्टीरिया हैं जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे सर्वाइव तो कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर करते हैं मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया का टेम्परेचर। मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया क्या हैं वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगी। इसके एग्जांपल हैं स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस और लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिन। अब देखते हैं कि मीज़ोफाइल्स क्या हैं। मीज़ोफाइल्स वो बैक्टीरिया हैं जो मिडिल टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, जैसे कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका एग्जांपल है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाए, स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस, नाइजेरिया गोनेरिया, एस्चेरिचिया कोलाई, जिसको हम कहते हैं ई कोलाई इन शॉर्ट। जो मोस्टली इस वाली कैटेगरी में, इस टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। मतलब जो पैथोजेंस है, डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो मीज़ोफिल्स होते हैं मोस्टली, वो इस टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं सभी। लेकिन पैथोजेंस नहीं होते हैं, पैथोजन वो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कोजिंग करने की एबिलिटी रखते हैं। देन थर्मोफाइल्स, ये थर्मो मीन्स टेम्परेचर या हीट हम कह सकते हैं, फाइल्स मीन्स लव्स, यानी कि जो हीट लविंग होते हैं, हाई टेम्परेचर लविंग होते हैं, उनको हम कहते हैं थर्मोफाइल्स। ये ग्रो करते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो एग्जांपल है वो है बेसिलस स्ट्रेटो थर्मोफिलस या फिर बेसिलस कोगुलेटस कोगुलेंट्स। ये हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दे ही दिए हैं। देन हाइपो थर्मोफाइल्स, ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, जैसे कि आर्किया का एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पर, सल्फोलोबस और अदर बैक्टीरिया है पायरोकोकस पायरोडिक्टियम। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन या हम कह सकते हैं पीएच। पीएच क्या होता है या फिर हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन क्या है? द मेजरमेंट ऑफ एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी, मतलब कितना एसिडिक है या कितना एल्कलाइन है। ये हम कैसे पता करते हैं? पीएच से पता करते हैं।
इसके बेस पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं, एसिडोफिलस, न्यूट्रोफिलस और एल्कैलोफिलस। नॉर्मल जब भी हम पीएच मेज़र करते हैं किसी चीज़ का तो 1 से लेके जो 7 होता है वो क्या होता है, एसिड। देन 7 पीएच होता है न्यूट्रल और 7 to 14 होता है बेस। ओके, तो जो एसिडोफिल्स होते हैं वो इसमें ग्रो करते हैं 0 to 5.5 तक। इसका एग्जांपल है सल्फोलोबस एसिडो कार्डियरिस, ये पीएच 1 to 3 होता है इनका। देन है फेरोप्लाज्मा एसिडरमेनस और अगला है पिक्रोफिलस ओशी मेई, इसका पीएच होता है 0, ये 0 पीएच पे भी ग्रो कर सकता है। देन न्यूट्रोफिल्स, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो 5.5 to 8.0 पीएच तक ग्रो करते हैं। इसका एग्जांपल है स्टेरिचिया युगलिना पैरामीशियम। देन एल्केलोफिलस, ये 8.5 to 11.5 पीएच तक ग्रो करते हैं। इसके एग्जांपल है बैसिलस एल्केलोफिलस एंड माइक्रोसिस्टिस ओरियोगी नोसा। सर नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सोल्यूट एंड वाटर एक्टिविटी। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है, क्योंकि जो उनमें उनकी बॉडी में फ्लूडिटी होती है और जो सेल में साइटोप्लाज्म होता है, जो एक सेल में क्या होता है साइटोप्लाज्म होता है, वो कैसी स्ट्रक्चर है, एक सेमी फ्लूड स्ट्रक्चर है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए हमेशा एक सेल को क्या चाहिए होता है, मॉइस्चर चाहिए होता है। सेम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी सर्वाइव करने के लिए क्या होता है, क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। जितना भी वाटर अवेलेबल होता है, क्या जितना भी क्या अवेलेबल होता है वाटर फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर एक्टिविटी बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर एक्चुअली अवेलेबल टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ये जितना भी वाटर अवेलेबल है एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वाटर एक्टिविटी, उसे हम वाटर एक्टिविटी के टर्म्स में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जो बैक्टीरिया है वो नॉर्मली उसको ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, बैक्टीरिया को ज़्यादा वाटर चाहिए होता है एज कम्पेयर टू ईस्ट एंड मोल्ड फॉर देयर ग्रोथ। तो सो नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो यूकैरियोटिक हो, चाहे प्रोकैरियोटिक हो, या कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, हमेशा उन्हें क्या नीड होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है फॉर देयर ग्रोथ। क्यों, क्योंकि जो उनमें टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है इन कैटाबॉलिक प्रोसेस, वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। लेकिन कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हो सकते हैं कि अगर थोड़े अमाउंट में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है या ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस में बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है, उसके बेसिस पे हम बैक्टीरिया को 5 मेजर क्लास में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज ओब्लिगेट एरोब। सबसे पहले हमें समझना होगा जो टर्म ओब्लिगेट है इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट। अब एरोब है मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस, ऑक्सीजन की क्या होगी, प्रेजेंस होगी, यानी कि जो स्ट्रिक्टली कोई ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो कर रहा है वो क्या होगा, ओब्लिगेट एरोब। दे हैव एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट फॉर फ्री ऑक्सीजन बिकॉज दे मेटाबोलाइज शुगर थ्रू अ पाथवे दैट रिक्वायर
ऑक्सीजन। इनकी बॉडी में जो पाथवे है जिसमें ये क्या मेटाबोलाइज करते हैं शुगर को, उसके लिए इन्हें क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए ये क्या है, ओब्लिगेट, क्योंकि अगर ये शुगर को मेटाबोलाइज ही नहीं कर पाएंगे तो ये न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाएंगे, इनको एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो ये क्या है, ओब्लिगेट एरोब्स, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। देन ओब्लिगेट एनरोब्स, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो कर सकते हैं। कुछ मेंबर हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इवन अगर कुछ अमाउंट में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन, जो टॉक्सिक ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन में जो टॉक्सिन प्रेजेंट होते हैं, ये इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, जिससे कि वो ऑक्सीजन इनके मेटाबॉलिज्म में इनको इनकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाए। नेक्स्ट इज फैकल्टेटिव एनारोब, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एब्सेंस में दोनों में ही क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, इनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है सर्वाइव करने के लिए, लेकिन बहुत कम अमाउंट में, 2-10%, यानी कि अगर ऑक्सीजन बहुत कम अमाउंट में भी प्रेजेंट है तो माइक्रो एरोफिल्स ग्रो कर सकते हैं। देन एरो टॉलरेंट, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट है या ऑक्सीजन एब्सेंट है, बट ये फिर भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा बेटर ग्रो करते हैं जब हाई लेवल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये क्या कर पाएंगे, खुद को ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन माइक्रोबियल ग्रोथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।